cut. है व्हाट्सअप गाइज, उमेश हियर फ्रॉम टेक मिनट। तो गाइज, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फोर्क लाइनेज ओएस की, जो कि मैंने इंस्टॉल कर ली है मेरे रेडमी नोट 9 प्रो के अंदर। तो इसके अंदर आपको क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलती है और क्या ये लाइनेज ओएस के जैसा ही है या आपको इसमें क्या क्या चेंजेस नए देखने को मिलते हैं या नहीं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इसके परफॉर्मेंस, गीकबेंच स्कोर और इसके अंदर बैंकिंग ऐप्स वर्क करते हैं या नहीं, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। तो यहाँ सबसे पहले बात करें एंड्रॉइड वर्जन की, तो यहाँ पे आप देखते हो लाइनेज ओएस वर्जन 18.1 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और ये जो रोम है इसका नाम है फोर्क लाइनेज ओएस। तो कर्नल वर्जन की बात करते हैं, यहाँ पे आपको कर्नल जो है आपको लाइटनिंग प्लस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे सिक्योरिटी पैच आपको 5 सितंबर का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे यूआई की, तो यहाँ पे आप देखते हो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस इस रोम का देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको एक यहाँ पे लॉन्चर देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की, तो यहाँ पे आपको जो है ऑडियो एफएक्स का एक ऐप देखने को मिलता है, जिसको आप ओपन करके यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ पे बेस या फिर विचुअलाइजेशन, ये जो आप चेंजेस करके यहाँ पे बढ़िया जो ऑडियो है वो यहाँ पे आप गेट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको और भी नए नए जो ऐप्स हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे आपको इनबिल्ट गैलरी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और म्यूजिक का भी यहाँ पे आपको प्रिंस्टॉल्ड ऐप्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ आपको यहाँ पे ऐप्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी आइकन स्टाइल्स की बात करें तो कुछ आपको इस प्रकार के जो है आइकन स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं, ये जो है आपको मटेरियल आइकन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इस रोम के अंदर। तो बात करें यहाँ पे कैमरे की, तो यहाँ पे जो है आपको गूगल का कैमरा गो देखने को मिल जाता है, जो कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो ANX कैमरा यानी MIUI का कैमरा, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो मैंने यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग जो टेस्ट है वो रन करके देखा है, और यहाँ पे जो रिजल्ट है ये आपके सामने आप देख सकते हो। यहाँ पे जो है आपको 10 मिनट का जो है मैंने CPU थ्रॉटलिंग किया था, और यहाँ पे आप देख सकते हो परफॉर्मेंस जो आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, आपको कहीं भी यहाँ पे लैग देखने को नहीं मिलता है, देख सकते हो आपको फुल जो है गुड परफॉर्मेंस इस रोम के अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये था CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट। बाकी यहाँ पे बात करें गीक बेंच की, तो यहाँ पे गीक बेंच का भी मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था, जिसके अंदर आप देख सकते हो सिंगल कोर स्कोर 564 देखने को मिल जाता है, मल्टी कोर स्कोर आपको यहाँ पे 1763 देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको स्कोर इस रोम के अंदर देखने को मिल जाता है। तो बात करें यहाँ सेफ्टी नेट की, तो सेफ्टी नेट यहाँ पे पास मिलता है या फेल वो यहाँ पे टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखते हो मैं यहाँ पे रन कर चुका हूँ, और यहाँ पे आपको सेफ्टी नेट जो है यहाँ पे पास देखने को मिल जाता है। डिवाइस सर्टिफाइड है या नहीं वो भी यहाँ पे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है। तो यहाँ पे आपको इस रोम के अंदर डिवाइस जो है सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे आपको डिवाइस भी सर्टिफाइड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आप बैंकिंग ऐप्स वगैरह आसानी से यूज़ कर सकते हो। सिक्योरिटी लेवल की बात करें तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी लेवल L3 यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसका मतलब है यहाँ पे आप HD में कंटेंट जो है नेटफ्लिक्स पे देख नहीं सकते। सिक्योरिटी लेवल L1 गेट करने के लिए आपको फर्मवेयर इंस्टॉल करना होगा लेटेस्ट आपके डिवाइस का, जिससे जो है आपको सिक्योरिटी लेवल L1 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं अगली बात करने वाला हूँ इसके सेटिंग्स की, तो सेटिंग्स में चलते हैं और यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है उसकी बात करते हैं। तो सेटिंग्स में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल जो लाइनेज हो ऐसा वैसा ही आपको देखने को मिलता है। फ़र्क बस इतना है कि इसमें आपको थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको लाइनेज ओएस के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, स्क्रीन टाइम आउट स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आपको डिस्प्ले साइज, स्मॉलेस्ट विड्थ और फुल स्क्रीन ऐप जैसे आप में आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप डबल टैप टू स्लिप कर सकते हो, वेक ऑन प्लग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आप 4G आइकन वगैरह भी यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हो, और यहाँ पे स्विच स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप जो टूगल से इनके स्विच स्टाइल चेंज कर सकते हो यहाँ से सिलेक्ट करके। तो यहाँ पे अगले बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे देख सकते हो बैटरी जो है आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है बैटरी के अंदर, जिसके अंदर आपको एडेप्टिव बैटरी, बैटरी लाइट यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्मार्ट चार्जिंग और स्मार्ट कट ऑफ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने 91% इसको डिवाइस को चार्ज किया था, अभी ये जो है 57% है, और यहाँ देख सकते हो आपको 5 hours 44 मिनट तक मेरे को स्क्रीन यूजेज अभी तक मिल चुका है, और मेरा डिवाइस 57 अभी तक चार्ज है। और यहाँ पे बैटरी यूजेज दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ पे बैटरी यूजेज में चलते हैं, तो बैटरी यूजेज देख सकते हो आपको
मैंने यहाँ पे YouTube यूज़ किया है, क्रोम और बैटल ग्राउंड इंडिया जो है मैंने प्ले किया है, और बाकी ये सब कुछ यूजेस मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे दोस्तों बैटरी काफ़ी आपको अच्छे देखने को मिल जाती है इस रोम के अंदर। आगे यहाँ पे बात करें कुछ और सेटिंग्स की, तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, ऐप लॉकर, यहाँ पे सारे हैं आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको सिस्टम के अंदर आपको बटन्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, स्टेटस बार का ऑप्शन देखने को मिलता है जिससे आप स्टेटस बार में आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। यह साथ ही साथ यहाँ पर जेस्टर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो यहाँ पे आप जेस्टर्स यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, और इस प्रकार से आप यहाँ से जेस्टर्स को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पर रैम मैनेजमेंट की बात करूँ, तो यहाँ पे मैं ऐप्स जो है मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। रैम मैनेजमेंट की बात करें तो रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे यहाँ पे ऐप्स ओपन किए हैं, यहाँ पे वापस ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो अभी तक भी ये जो ऐप है वो अभी तक ओपन है। तो इस प्रकार से अच्छा आपको रैम मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है। बाकी आपको और भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप ऐप को किल कर सकते हो, स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हो, और यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो, और फ्री फॉर्म का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं इस रोम के अंदर। कॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं कॉलिंग के अंदर। यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे आपको ऑडियो का जो कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। ये सब कुछ आपको इस रोम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो रोम काफ़ी स्मूथ है, कोई यहाँ पे मेरे को बग देखने को नहीं मिला है, और इसके अंदर आपको एनएक्स कैमरा देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपको एनएक्स कैमरा कैसे इंस्टॉल करना है इसकी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो आपके डिवाइस के अंदर। बाकी रोम ओवरऑल स्मूथ है, कोई आपको लैग देखने को नहीं मिलता, कोई आपको बग देखने को नहीं मिलता। तो एक बार रोम को जरूर ट्राई करें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।